बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने आज राइट टू लॉ कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन को शुरू करने के पीछे का मकसद है लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना। इस कैंपेन की शुरुआत दिल्ली से हुई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, संघ के सह सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थी। विजय सोनकर शास्त्री अपने इस कैंपेन को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए राइट टू लॉ बिल पास कराने के लिए 500 सांसदों 2500 विधायकों से सहमति पत्र लेकर संसद पीएम और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। टुकड़े टुकड़े में राइट्स की लड़ाई हो रही है। अभी कितने टुकड़े में और राइट की लड़ाई हो, कोई अगर सबको कानून की जानकारी हो जाए तो सब तो अपनी राइट्स की लड़ाई खुद ही लड़ लेंगे, एक ही बैनर में सब कुछ कर लेंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 125 करोड़ लोगों के साथ गवर्नेंस करना चाहते हैं, यानी सुशासन में वो शामिल करेंगे। तो 125 करोड़ लोग गवर्नेंस में कैसे शामिल हो जाएंगे, उसका टेक्निक क्या हो सकता है? तो एक हम लोगों की सोच है ये कि सबको अगर कानून की जानकारी हो जाए तो सब लोग अपना अधिकार भी ले लेंगे, मौलिक अधिकार ले लेंगे और शासन में भी शामिल हो जाएंगे।